सब्सक्राइब करें GSM टेक्निकल्स को एंड दबाएं बेल आइकन भी ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। सो हेलो गाइस, वेलकम टू GSM टेक्निकल्स। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि हम अपने फ़ोन को गर्म होने से कैसे बचाएं, और आपका फ़ोन भी होता है गर्म। क्या होता है कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं या कोई भी पावरफुल एप्लीकेशन चलाते हैं तो हमारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। और आपको भी जानना है ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है कि हमारा फ़ोन गर्म नहीं हो, तो देखिए मेरे साथ इस वीडियो को। सबसे पहले सवाल करते हैं कि हमारा फ़ोन गर्म होता क्यों है। तो हमारा फ़ोन गर्म जो होता है वो ओवर हीटिंग के कारण होता है। मतलब ओवर हीटिंग किस कारण होती है, जब हम कोई भी हाई पावर की एप्लीकेशन चलाते हैं। लाइक अगर हमारा इंटरनेट खुला हुआ और हमने अपने बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशनें खोल रखी हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो हैंग होने लगेगा, हीट होने लगेगा। हीट और हैंग दोनों ही होएगा। कोई भी बड़ी पावर की, जैसे मैं ये टर्मक्स चला रहा हूँ इस समय, तो हम इस समय समझ लो ये बहुत ही हाई पावर का एप्लीकेशन है, तो इससे जो है मेरा फ़ोन काफ़ी हीट हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली हीट नहीं हो, जबकि सबसे पहले आपको जो है अपने इंटरनेट से कोई भी माल ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है जो कि ये अलग से हो। आपको जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो अपने फ़ोन में, अपने सिंपली प्ले स्टोर से ही करें। उससे क्या होता है, सारी एप्लीकेशनें प्ले प्रोटेक्टेड होती हैं। प्ले प्रोटेक्टेड इसलिए उसमें कोई भी मालवेयर या कुछ नहीं होता, जिससे हमारा फ़ोन काफ़ी हद तक सेफ रह सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप अपने फ़ोन को हीट होने से कैसे बचाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। सो दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आई होप दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप अपने फ़ोन को हीट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ अपने फ़ोन में सेटिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। जैसे आप सेटिंग्स में चले जाएंगे उसके बाद जो है आपको अपने फ़ोन उनकी मेन सेटिंग्स के अंदर जो ढूंढना है ऑप्शन वो ढूंढना है लोकेशन का। सिंपली सबके फ़ोनों में यहाँ मिल जाता है, लेकिन MI का जो MIUI 10 वर्जन है या 11 है उनमें कहाँ होता। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यार आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है फाइव नंबर्स पे जो है आपको मिल जाता है, फाइव नंबर के बाद सिक्स नंबर पे लोकेशन का ऑप्शन। ये जो आपको लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको क्या करना है, इस लोकेशन के ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोकेशन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो आप देख रहे हैं हाई एक्यूरेंसी पे सिलेक्ट हुआ होगा। इससे क्या होता है, आपकी जो ये हाई एक्यूरेंसी पे ऊपर क्लिक हुआ है, उसके बाद आपको जो नीचे दिख रहा है ऑप्शंस, बैटरी सेवर, यूज़ वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क टू डिटरमाइन लोकेशंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसे सिलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा, आपकी जो हाई एक्यूरेंसी है वो बैटरी सेविंग में चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप जैसे इसे करेंगे आपका फ़ोन काफ़ी हद तक सही हो जाएगा, हीट होना कम हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन जो आपको चुनना है, मैं ऐसे आपको तीन तरीके बताऊँगा जिससे आपका फ़ोन हीट होना कम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आप चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो दूसरे ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, आपको जाना है स्कैनिंग ऐप में। ये जो आप दूसरे नंबर पर देख रहे हैं स्कैनिंग, जैसे आप स्कैनिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस को जो है टर्न ऑफ कर देना, आपके दोनों ऑप्शन ऑन होंगे इन्हें टर्न ऑफ कर देना। ये जो आपके बटन दिख रहे हैं इन पर क्लिक करके टर्न ऑफ कर देना है। जैसे आप इन दोनों को टर्न ऑफ करेंगे आपका फ़ोन इससे भी काफ़ी हद तक हीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो मैं लास्ट ऑप्शन बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है और उससे काफ़ी हद तक आपका फ़ोन हीट होने से बचेगा। तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में।
जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे आपको यहाँ पर सर्च फॉर एप्लीकेशन एंड गेम का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है कूल मास्टर। सिंपली आपको यहाँ पे कोलर मास्टर लिख देना। जैसे आप कोलर मास्टर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी। ये एप्लीकेशन को सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी आपके फ़ोन में। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये देखिए ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको क्या करना, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको एरो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, फिर सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ कर देना है। अलाउ तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। एक तरफ लिखा आ जाएगा CPU और दूसरी तरफ लिखा आ जाएगा RAM। अगर आप फिर ओके कर देना, ओके करने के बाद यूज़र एक्सेस की से परमिशन दे देनी है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलर मास्टर और यूज़र एक्सेस परमिशन, गो बैक एंड बैक। आप CPU पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी स्कैनिंग इस तरह होने लगेगी। उसके बाद इसने डिटेक्ट कर लिया, अनचेक टू ऐड ऐप टू लॉन्गर लिस्ट एंड प्रिवेंट देन फॉर क्लोजिंग। और इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या कर लेना, क्लीन अप पे क्लिक कर देना। इस तरह अगर आपके पास ऐड आए तो सिंपली आपको एक बार बैक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ैन चलने लगेगा, फिर सिंपल आपको बैक चले आना। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना रैम वाले ऑप्शन पे। पहले CPU वाले पे करा, अब हमें रैम को क्लीन करना। तो रैम वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरह की स्कैनिंग चलने लगेगी। फिर सिंपली हमें बैक वाले एरो पे क्लिक कर देना और ये हमारी रैम भी क्लीन हो गई और इसे आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक एंड व्हाट्सअप। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।